कि जब रेल मंत्रालय 39 लाख टिकटें बुक कर रहा है, रेल मंत्रालय की खबरों के हवाले से कुछ टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि बांद्रा से ट्रेन चलने वाली है, तो अगर भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो मजदूर जिम्मेदार है? कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है उसमें कोई ना कोई हिंदू मुसलमान का एंगल खोजने का काम हमारे तथाकथित टीवी के योद्धा, मीडिया के वीर खोजना शुरू कर देते हैं। ये किस तरह की सोच पैदा कर रहे हैं समाज में? जैन साथियों, टीवी चैनल्स पे खबर चल रही है कि बांद्रा में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उसके पहले सूरत में आप लोगों ने देखा होगा, तमाम मजदूर सड़कों पर उतर आए, उन्होंने वहाँ पे आगजनी की, टायर जलाया और अपना विरोध प्रदर्शन किया, इस बात को लेकर कि उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, इस बात को लेकर कि उनके मालिक उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उनके खाने का, उनके राशन का इंतजाम नहीं है। इस कारण से सूरत में भी परसों, 2-3 दिन पहले वहाँ पर भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर कल हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में, मुंबई में, फिर सूरत में, अहमदाबाद में, हर जगह पे विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पे आए। लेकिन इस पूरे मामले को समझना होगा कि वास्तव में ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, क्या अकेले इसके लिए वो मजदूर जिम्मेदार हैं जो सड़कों पे उतरे, क्या इसके लिए वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो भीड़ की शक्ल में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुए, या फिर इसमें कोई जिम्मेदारी दूसरे विभागों की भी बनती है, इस बात को थोड़ा देखना पड़ेगा। कल आप लोगों ने देखा होगा खबरें चली और बताया गया कि 39 लाख टिकट रेलवे ने बुक किया। जब से लॉकडाउन लगा तब से लेके कल तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें लगभग 39 लाख टिकट रेलवे ने लोगों के बुक किए 15 तारीख के बाद के, क्योंकि 15 तारीख से लॉकडाउन खत्म होना था। पहले की घोषणा के अनुसार, प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था, 15 अप्रैल से खुलना था। बाद में तमाम परिस्थितियों का जब आकलन किया प्रधानमंत्री जी ने तो उस लॉकडाउन को बढ़ाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन अचानक बढ़ा दिया। आपको याद होगा 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक हुई थी, उस बैठक में वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जो बात निकल के आई थी वो टीवी चैनल्स ने भी चलाया था और लगभग सभी जानकार समझदार लोगों को ये बात पता चल गई थी और एक माहौल सा बन गया था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि राज्य अपनी चिंता जता रहे थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने बताया कि उनके यहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। अलग अलग राज्यों ने अपनी चिंता जताई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का संकेत 12 अप्रैल की मीटिंग में दिया कि यह लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। अब मेरा सवाल यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक से यह संकेत साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि लॉकडाउन 15 तारीख के बाद भी आगे बढ़ेगा, यह संकेत जाहिर हो रहा है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जाएगा, तो फिर रेल मंत्रालय टिकटें क्यों बुक कर रहा था? रेल मंत्रालय ने 2 दिन पहले स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की कि सारी ट्रेन और सारी टिकटें रद्द की जाएंगी, और इसका एक व्यापक प्रचार क्यों नहीं किया जिसकी वजह से कोई अपने घरों से नहीं निकलता और कोई बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठा नहीं होता? लेकिन वो आदेश क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 12 अप्रैल को जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्रियों की और प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग से साफ संकेत जाता है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। ये 13 अप्रैल को रेलवे के एक अधिकारी हैं ए मालेश्वरा राव जी, जो डिप्टी चीफ कॉमर्शियल मैनेजर हैं, ये हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और ये सीसीएम के ऑफिस का ये प्रपोजल है, चीफ कॉमर्शियल मैनेजर के ऑफिस का। अब ये क्या लिख रहे हैं, ये साहब लिख रहे हैं कि ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 13th 4 2020 इट इज डिसाइडेड
टू रन जन साधारण स्पेशल्स फॉर क्लियरिंग पैसेंजर्स माइग्रेंट लेबर ऑफ अनरिजर्व सेगमेंट. इन दिस रिगार्ड सम डिविजन्स हैव ऑलरेडी गिवन डेटा. हाउएवर ऑल सीनियर डीसीएम्स आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू क्रिटिकली एनालाइज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज माइग्रेंट लेबर एंड सबमिट द डिटेल प्रपोजल एलॉन्ग विथ क्लियर ओरिजिनेटिंग एंड डिस्टिनेशन स्टेशन टू द ऑफिस ऑफ सीसीएम इमीडिएटली सो एज टू डिस्कस द प्रपोजल विद द ऑफिस ऑफ सीपीटीएम टू रन द ट्रेन्स एज प्रपोज बाय द डिविजन्स. ये 13 तारीख का इनका एक प्रपोजल है जिसमें ये कह रहे हैं कि जन साधारण स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव, उसका आकलन, उसका डेटा, मजदूरों की संख्या आदि इकट्ठा करके भेजिए, जो लेबर माइग्रेंट लेबर्स के लिए और लोगों के लिए चलाई जा सके. ये कब ये पत्र इन्होंने जारी किया, ये पत्र जारी किया है जिसमें इन्होंने प्रपोजल मांगा है. जो इनका प्रपोजल है वो है 13 अप्रैल को, जब प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो चुकी थी. अब मुझे आप जरा बताएं कि जब रेल मंत्रालय 39 लाख टिकटें बुक कर रहा है, रेल मंत्रालय 13 तारीख को 13 अप्रैल को प्रपोजल तैयार कर रहा है, रेल मंत्रालय की खबरों के हवाले से कुछ टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि बांद्रा से ट्रेन चलने वाली है, मुंबई से ट्रेन चलने वाली है, तो अगर भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो मजदूर जिम्मेदार हैं जो अपनी मजबूरी के कारण, भुखमरी के कारण, आज एक महामारी के संकट के कारण जो अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, वो अपने घरों से अचानक निकलते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनको ट्रेन मिलेगी और वो अपने घर जा पाएंगे? इसमें क्या इन रेलवे के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख के साथ, तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है उसमें कोई ना कोई हिंदू मुसलमान का एंगल खोजने का काम हमारे तथाकथित टीवी के योद्धा, मीडिया के वीर खोजना शुरू कर देते हैं. जब दिल्ली में आनंद विहार का मामला आया उस समय भी टीवी के योद्धा डिबेट करने में, लगातार बड़ी बड़ी डिबेट करने में जुट गए, सरकार को घेरने में जुट गए. जब महाराष्ट्र का मामला आया उसमें भी कल मैं देख रहा था टीवी के योद्धा जुट गए, उस पर टीवी के डिबेट कर रहे हैं. और शर्म की बात तो यह है कि उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं. बांद्रा स्टेशन के पास कोई मस्जिद है उसको दिखा के कि मस्जिद के पास लोग कैसे इकट्ठा हुई, और ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये किस तरह की सोच पैदा कर रहे हैं समाज में? और तमाम वो वरिष्ठ पत्रकार, तमाम वो जागरूक लोग, तमाम वो मीडिया से जुड़े हुए नाम जो 25-30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे लोग हिंदू मुसलमान की भावना फैला रहे हैं कि बांद्रा की मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हो गई? अरे भाई, गुजरात में जब सूरत का मामला आता है, वहां आगजनी होती है, हिंसा होती है, मजदूर विद्रोह में सड़क पर उतरते हैं, उस खबर को आप नहीं चलाते? आज मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी पार्टी के दृष्टि से मत देखिए, लेकिन कोई भी खबर को निष्पक्षता से देखिए. दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, गुजरात का मामला हो, एक चश्मे से देखिए. मजदूर के सामने रोटी का संकट है, भूख का संकट है, उसकी उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, उनको नौकरी से ना निकाला जाए ये बात कैसे सुनिश्चित की जाएगी, उनको दो वक्त की रोटी मिल सके ये बात कैसे सुनिश्चित की जाए, उनको भरोसा कैसे दिलाया जाए कि वो अपने अपने घरों में रहें और अपने घर जाने की जिद ना करें जिससे ये संकट और आगे फैल जाए, इस बात के लिए उनको कैसे समझाने का प्रयास किया जाएगा? बजाय इसके पूरा का पूरा मीडिया इस बात में लग जाता है कि इसमें हिंदू मुसलमान का क्या एंगल है. और जब खबरें गुजरात की होंगी तो वो टीवी पे उतनी प्रमुखता के साथ नहीं दिखाई जाएंगे, जब खबरें दिल्ली से जुड़ी हुई होंगी या महाराष्ट्र से जुड़ी होंगी उसको पूरी प्रमुखता के साथ टीवी पे दिखाया जाएगा और उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल खोजा जाएगा. जब गुजरात की खबर होगी तो मीडिया गजनी मोड में चला जाएगा. मुझे लगता है इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है.
आज एक बड़ा संकट देश के सामने आया है और दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से ही प्रतिबद्धता जता रहे हैं कि हम इस संकट से निपटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे लोगों के सहयोग के साथ, लोगों के सहानुभूति, लोगों के सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, लोगों की जिम्मेदारियों के साथ, लोगों के सुख दुख को बांटकर, उनके सुख दुख में खड़े होकर, उनके भोजन और भूख के संकट को दूर करके इस लड़ाई को जीतेंगे दिल्ली में। और केजरीवाल जी उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी चिंता जताई कि भाई इस मौके पर, इस संकट की घड़ी में इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए, इसको हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझाकर इस पूरी बीमारी और इस महामारी के संकट को गलत दिशा देने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए दिल्ली में रहने वाले और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि कृपा करके इस महामारी में, इस महासंकट के दौर में आप लोग अपने अपने घरों में रहें, ये बीमारी और आगे ना फैलने दें, इस संक्रमण को और आगे ना फैलने दें। क्योंकि आज जो दुनिया के डेटा है वो बहुत भयावह है, डराने वाले हैं। करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 20 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, इटली जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, जो अपने आप को बहुत विकसित देश मानते थे, वो तमाम देश आज इस महामारी से, संकट से परेशान हैं। उनके सामने कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इस देश को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस भारत माता को कोरोना की महामारी से मुक्त कराने के लिए, बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, एक एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि हम लोग जात पात, धर्म क्षेत्र, भाषा, ये तमाम भेद भुलाकर इस महामारी से, इस संकट से एक साथ मिलकर लड़ें और जीतें, सरकार के निर्देश का पालन करें, सरकार का सहयोग करें, पुलिस वालों का सहयोग करें, डॉक्टर्स का सहयोग करें, जो कर्मचारी इस अभियान में, कोरोना संकट के अभियान में लगे हुए हैं, उनकी इज्जत करें, उनका सहयोग करें और इस अभियान को 3 मई तक जो लॉकडाउन 2 घोषित किया गया है उसको सफल बनाएं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।